हे गाइस, मैं हूँ सीमा और दावत चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट की थी कि हमें अगर मैदे से हाफ केजी का केक बनाना है तो हमें मैदा कितना लेना है, उसमें चीनी कितनी डालनी है, सारी चीज़ों का कप से भी मेजरमेंट आपके साथ में आज शेयर करूँगी और जो ग्राम्स में मेजरमेंट है वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी। क्योंकि हम लोग कई बार प्रीमिक्स से केक बनाते हैं गाइस, आधा किलो का केक बनाने के लिए हमें 200 ग्राम प्रीमिक्स चाहिए होता है, लेकिन जो लोग कभी कभार ही केक बनाते हैं वो मैदे का यूज़ करते हैं और मैदे से भी बहुत ही बढ़िया सा स्पॉन्ज तैयार होता है। तो मैदे से आज आधा किलो के केक के लिए कितना सारा मेजरमेंट लेना है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है ना, प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो चाहे कोई भी केक आप बना रहे हो, चाहे प्रीमिक्स से हो, मैदे से हो, तो सबसे पहले जो काम आपको करना है वो है ग्रीसिंग का। तो आप जो भी टिन यूज़ कर रहे हैं वो आपको तेल से ग्रीस करना है इस तरह से, और उसमें एक बटर पेपर भी डाल देना है। बटर पेपर नहीं है तो आप मैदा भी तेल के ऊपर छिड़क सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा तेल लगाकर मैदा उसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रेड कर दो तो आपको बटर पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैं बटर पेपर का यूज़ कर रही हूँ। 6 इंच का आज ये मैं एल्यूमिनियम का पतीला यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग आधा किलो का मैदे का केक बनाएंगे। तो इस तरह से ये अब ग्रीस होकर तैयार है, इसे हम लोग साइड में रख देंगे। तो चलिए अब केक के लिए बैटर तैयार करते हैं। तो बाउल में मैं यहाँ पर सबसे पहले डाल देती हूँ कुकिंग ऑयल, जो आप नॉर्मली खाना बनाने में यूज़ करते हैं वही तेल आपको इसमें डालना है। तो मैंने 1/4 कप कुकिंग ऑयल, 30 ml, मेरा 1/4 कप है 30 ml का गाइस, ये मैंने सनफ्लावर ऑयल इसमें 30 ml डाल दिया है। 30 ml हम लोग इसमें डाल देंगे दूध, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर का है, रूम टेम्परेचर का, ना ही ठंडा है और ना ही गर्म है। उसी कप से 1/4 कप हमने इसमें डाल दिया है दही, एकदम फ्रेश है, खट्टा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर दूध नहीं डालना चाहते ना गाइस, तो आप आधा कप दही भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने डाल दी है पिसी हुई चीनी या पाउडर शुगर 1/2 कप। तो मेरा 1/2 कप है, ग्राम्स में अगर हम लोग देखेंगे तो 67 ग्राम्स या 67 ग्राम या 68 ग्राम के करीब हमने ये पिसी हुई चीनी इसमें डाल दी है। और बस हल्के हाथ से आपको इसे मिक्स करना है 3 से 4 मिनट तक, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ आज कप्स में भी मेजरमेंट शेयर किए हैं गाइस, और ग्राम्स में भी, ताकि आपकी कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। चाहे तो आप ग्राम्स में भी ये सारे मेजरमेंट्स ले सकते हैं, नहीं तो कप से भी। इसके बाद मैं इसमें 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून के करीब ये वेनिला एसेंस डाल देती हूँ। आप जिस भी फ्लेवर का केक बना रहे हैं वो एसेंस आपको इसमें डालना होगा। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये मिक्सर हमारा यहाँ पर तैयार है, तो बाकी की सारी चीज़ें भी मैं इसमें डाल देती हूँ। इसके ऊपर हम लोग एक स्टील की छलनी रख देंगे और इसमें डाल देंगे 1 कप मैदा। 1 कप अगर ml में देखा जाए तो ये मेरा 240 ml का कप है। ग्राम्स में हम लोग अगर ये मैदा नापेंगे तो ये है 125 ग्राम के बराबर। इसमें हम लोग 1 टीस्पून ये बेकिंग पाउडर भी डाल देते हैं, और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा या खाने का सोडा या मीठा सोडा भी जिसे कहते हैं, वो मैं इसमें डाल देती हूँ 1/2 टीस्पून। तो आज हम लोग यहाँ पर ये चॉकलेट केक या चॉकलेट स्पॉन्ज बना रहे हैं, इसीलिए हमें इसमें 2 टेबलस्पून ये कोकोआ पाउडर भी ऐड करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर नॉर्मल वेनिला स्पॉन्ज बना रहे हैं, वाइट वाला प्लेन, तो आपको इसमें कोकोआ पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो इस तरह से अगर आप सारे मेजरमेंट्स लेते हैं तो एकदम परफेक्ट 1/2 kg का केक आपका तैयार होता है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से छानने के बाद अब हम लोग यहाँ पर विस्कर से या चम्मच से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान इस बात का रखना है गाइज, अगर आप बिगिनर है तो इसे बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से फेंटना नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से इसे फेंटेंगे ना, तो हमारा जो केक है वो अच्छी तरह से नहीं फूलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि हमारा केक अच्छी तरह से फूलता नहीं है, कभी कभार वो बीच में से दब जाता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा फूलता है बीच में से। तो अच्छे स्पॉन्ज की निशानी यही है गाइज, अच्छे स्पॉन्ज बनने का साइन यही है कि आपका जो स्पॉन्ज है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं फूलना चाहिए और बीच में से नीचे दबना भी नहीं चाहिए, गड्ढा सा भी नहीं बनना चाहिए। क्योंकि वो एकदम प्लेन होगा तो हमें केक ऊपर से कट नहीं करना पड़ेगा, एकदम प्लेन ऊपर का सरफेस उसका होना चाहिए। ये थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा था तो मैंने इसमें 2 टीस्पून के बराबर ये दूध मिलाकर इसे इस तरह से तैयार किया है।
तो यहाँ पर केक के बैटर की कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि ये बहुत ज़्यादा अगर पतला होगा ना तो भी आपका केक अच्छी तरह से नहीं फूलेगा, और बहुत ज़्यादा अगर ये बैटर गाढ़ा रहेगा, थिक रहेगा, तो आपका जो केक है ऊपर से वो क्रैक्स आ जाते हैं उसके ऊपर। तो ये भी चीज़ें आप ध्यान में रखिए, इस तरह से एकदम रिबिन कंसिस्टेंसी वाला बैटर ही आपको बनाना है। तो सारा बैटर मैं इस ग्रीस किए हुए टिन में डाल देती हूँ इस तरह से। देखिए एकदम परफेक्ट कलर भी इसे आया है, चॉकलेट केक वाला। केक का बैटर टिन में डालने के बाद आपको इसे इस तरह से प्लेन बनाना है टिन में, और 3 से 4 बार इस तरह से टैप करना है। इससे क्या होगा गाइस, आपका जो केक है वो एकदम इवनली फूलेगा, बीच में से गड्ढा नहीं बनेगा, और कई बार बहुत ज़्यादा डोम शेप आता है वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पर यह केक बेक करने के लिए मैंने 10 मिनट पहले ही लो फ्लेम पर यह पतीला गर्म होने के लिए, प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। चाहे तो आप पतीले की जगह पर कढ़ाई या कुकर का भी इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान इस बात का रखना है कि स्टील का बर्तन बेकिंग के लिए यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो ज़्यादा हीट की वजह से जल जाता है। नीचे मैंने एक स्टील का स्टैंड रख दिया है, चाहे तो आप कटोरी या प्लेट भी रख सकते हैं। उसके ऊपर केक टिन रखकर हम लोग ऊपर से ढक्कन रखकर इसे 35 से 40 मिनट तक लो फ्लेम पर ही बेक कर लेंगी। तो पूरे 40 मिनट कंप्लीट यहाँ पर हो चुके हैं गाइस। आप 30 या 35 मिनट के बाद ही एक बार इसे चेक करना। 35 मिनट के बाद जनरली यह केक बेक होता है, 5 या 7 मिनट कम या ज़्यादा भी लग सकते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया सा हमारा केक यहाँ पर फूल चुका है, और इसमें मैंने टूथपिक भी डालकर देख ली है, क्लियर आ गई है। इसका मतलब है ये पूरी तरह से अंदर तक बेक हुआ है। चलिए इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो जब भी आप कभी केक इस तरह से बनाकर उसे ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं तो उसके ऊपर एक नैपकिन या कॉटन का कपड़ा ढकना ना भूलिए, क्योंकि उससे क्या होता है हमारा जो स्पॉन्ज होता है ऊपर से एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना रहता है। नहीं तो जब हम लोग इसे आधा घंटे के लिए ऐसा ही खुला छोड़ देंगे ना तो उसके ऊपर का सरफेस है वो हार्ड बन जाएगा, तो अपना केक सॉफ्ट नहीं रहेगा। इसीलिए आपको इसे ढककर ही ठंडा होने के लिए छोड़ना है। देखिए इसे डीमोल्ड करने के बाद एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी और एकदम बढ़िया सा स्पॉन्ज हमारा यहाँ पर तैयार हुआ है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट बना है, ना ही हमने इसमें अंडे का यूज़ किया है या केक जेल का भी, कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर के लिए केक बना रहे हैं गाइस तो आप प्लेन इसी तरह का घर की चीज़ों वाला ये केक ज़रूर बना सकते हैं। और ऊपर का सरफेस भी देख सकते हैं एकदम प्लेन आया है, कहीं पर भी डोम शेप नहीं है या बीच में से ये दबा नहीं है। एकदम परफेक्ट तरीके से आपके साथ मैंने ये हाफ केजी के केक के लिए ये रेसिपी शेयर की है। जब हम लोग इसे विप क्रीम से कवर करेंगे ना तो ये हाफ केजी का केक बन जाएगा। अभी तो इसका वेट हाफ केजी नहीं है, अगर हम लोग इसका वेट करेंगे स्पॉन्ज का ही तो ये 290 या 280 ग्राम्स के करीब होगा। इसके नीचे का जो बटर पेपर है उसे भी मैं निकाल देती हूँ, और नीचे का टेक्सचर भी देख सकते हैं गाइस एकदम परफेक्ट है, एरी है, बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। तो चलिए अब आधा किलो का केक अगर हम विथ आइसिंग तैयार करेंगे तो आपको व्हिपिंग क्रीम भी कितनी लेनी है वो भी आपको बताती हूँ। तो चलिए स्पॉन्ज तो यहाँ पर हमारा तैयार है, अब व्हिपिंग क्रीम के बारे में मैं आपको बताती हूँ। अभी हमने जो स्पॉन्ज बनाया है गाइस उसे अगर हमें व्हिप क्रीम से डेकोरेट करना है तो उसके लिए हमें व्हिपिंग क्रीम लेनी हुई थी 1 कप। तो आज मैं जो यहाँ पर कप यूज़ कर रही हूँ वो है 240 ml का। 240 ml के कप से मैंने 1 कप ये व्हिपिंग क्रीम ले ली है। अगर आप बहुत ज़्यादा हेवी डेकोरेशन करना चाहते हैं आधा किलो के केक के लिए ही तो आपको 2 या 3 टेबल स्पून क्रीम इसमें ज़्यादा ऐड करनी होगी। जब हम लोग इस क्रीम को इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे और इससे ही हमारा जो अभी हमने स्पॉन्ज बनाया है उसे डेकोरेट करेंगे तो आपका परफेक्ट आधा किलो का केक तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर अभी हमने जो स्पॉन्ज बनाया है उसे हम लोग लेयर्स में कट करेंगे, अंदर शुगर सिरप डालेंगे, चाहे तो चोको चिप्स वगैरह भी डाल सकते हैं, और ऊपर से पूरी आइसिंग होने के बाद, डेकोरेशन होने के बाद हमारे केक का वजन होगा गाइस आधा किलो या ऊपर थोड़ा सा 20 से 30 ग्राम। तो इस तरह से पूरी आइसिंग होने के बाद, विप क्रीम से कवर होने के बाद हमारा जो केक बन जाता है वो होता है आधा किलो का। अगर आपको 1 किलो का केक बनाना है गाइस तो ये जो मैंने अभी अभी सारी चीज़ें, सारे मेजरमेंट्स आपको बताए हैं ना, उससे डबल क्वांटिटी में आपको सारी चीज़ें लेनी है, आपका 1 किलो का केक आराम से तैयार हो जाता है। तो अब जब भी कभी आपको आधा किलो का केक मैदे से बनाना होगा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि सारे डाउट्स आपके मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। तो ये मैदे से बनी हुई हाफ किलो के केक की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कौन से रेसिपी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वही रेसिपी देखेंगे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।